नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस टॉक की सीरीज़ में हम अलग अलग एक्सपर्ट्स से इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई सारी बातें करते हैं। इस टॉक के दौरान अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉक। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर पंकज कुमार गुप्ता, जिन्होंने अपने 30 साल के करियर में बड़ी बड़ी एमएनसीज जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईएलएनएफएस और एनकोड सॉल्यूशंस के साथ बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया है। तो पंकज सर, आपका हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो सर, आपने आपके करियर में बहुत से नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम भी किया है, तो आप हमारी ऑडियंस को अपने करियर के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? ज़रूर। थैंक यू विशाल भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी 30 साल में मैंने बहुत सारे अनुभव किए, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे काम किया और मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मुझे एक्सपोजर जो मिला लाइफ में वो काफ़ी अच्छा मिला है। मैंने अपना करियर 1991 में शुरू किया था बॉम्बे पोर्ट्स पे शिपिंग इंडस्ट्री के साथ, और शिपिंग इंडस्ट्री की अपनी ओन प्रॉब्लम्स हुआ करती थी कि जहाज आते थे, आके पानी में 6-7 दिन खड़े रहते थे, रोज़ का $3,00,000 का नुकसान होता था, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी और पता ही नहीं चलता था कौन सा जहाज आ रहा है, कब आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, कितना चाहिए। तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था वो मेरा बॉम्बे पोर्ट में था, जहां हमने 6-7 काम किया कि इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उस पोर्ट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सके। और वहां उस एक्सपीरियंस को लेकर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने की, जहां मैंने स्टार्ट किया ई गवर्नेंस से। गुजरात राज्य में जो सिटीजन्स की प्रॉब्लम थी, जो गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स थी, उनको लेके शुरू किया। और मैं बात कर रहा हूँ 1998 की, जब ई गवर्नेंस शायद लोगों को कम पता था, लाइन में लोग लगते थे, घंटों खड़े रहते थे, नंबर जब आता था नहीं आता था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसको शुरू करके हमने काफ़ी सारे ई गवर्नेंस आईटी सॉल्यूशंस बनाए गुजरात के अंदर। फिर गुजरात का मॉडल लेकर हम कई सारे अलग अलग राज्यों में गए, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, और वो इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा कि उन एक्सपेरिमेंट्स को देखकर हमें इंटरनेशनल ऑफर्स मिले। हमने यही सॉल्यूशंस यूरोप में, यूके में, यूएस में, अफ्रीका में डिप्लॉय किया। और जो सबसे बढ़िया चीज़ रही उन सब में ये रही कि सिटीज़न सिटीज़न होता है, सरकार सरकार होती है, और लोगों की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे विदेश हो। और फिर मुझे मौका मिला गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में बन रहा है, वहाँ पर काम करने का ILFS के थ्रू, जिसमें मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी फिनटेक, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको कैसे हिंदुस्तान में लाया जाए। सो ये बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा, जिसको मैं बड़ा सजो के रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी मेरी भी बढ़ती रहे और आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करें। सर, हमारी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो 12th के स्टूडेंट्स है, जो कि आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और हर इंजीनियर का ऐसा सपना होता है कि वो बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे, और क्योंकि आपने बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एज अ सीईओ, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम किया है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एमएनसीज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में क्या देखना चाहती है, या वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि एमएनसीज इंजीनियर्स में देखना चाहते हैं? नहीं, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही रिलेवेंट सवाल है, और आपके माध्यम से मैं इन सारे बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि चाहे वो MNC हो, चाहे इंडियन कंपनी हो या अपना बिजनेस हो, एक स्किल बहुत रिक्वायर्ड है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपको सॉल्यूशन कंप्लीट देना है, ये नहीं कि आप एक काम कर लें, दूसरे काम के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपसे आपके घर में किसी ने कहा, जी पेशेंट हमारा घर में बीमार है, एक दवा लानी है। आप बाज़ार दवा लेने गए, दवा नहीं मिली, केमिस्ट नहीं मिला, आपने 4 दुकानें देखी, फिर भी नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं? एक है आप घर आके कह दें, जी कुछ नहीं मिला। दूसरा है कि भाई आप डॉक्टर से बात करें, पूछे क्या हो सकता है,
यदि डॉक्टर नहीं मिलता है तो एक लड़का टैक्सी लेके घर आ जाता है, कहता है जी दवा भी नहीं मिली, डॉक्टर भी नहीं मिला, पेशेंट को ठीक करना है, हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो ये क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। हम लोग जब हायरिंग के लिए जाते थे, रिक्रूटमेंट के लिए जाते थे कॉलेजेस में, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमसे पूछा जाता था कि सर आप लोग तो आईटी कंपनी से हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यों लेते हैं, आप क्या करेंगे इनका? और हम लोग का हमेशा एक जवाब होता था कि हम लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं ले रहे हैं, हम एक ट्रेंड माइंड खरीद रहे हैं, हम एक ट्रेंड माइंड को हायर कर रहे हैं जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, एनालिटिक स्किल्स है, और यही चार स्किल्स हैं जो आदमी को आगे बनाता है। फिर वो उसको कोई भी रोल मिले, जो भी रोल, क्योंकि ज़िंदगी में रोल्स बदलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स बदलती रहेंगी, बट अगर आपके पास ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है तो आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ खुली रहेंगी। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये हमारे CEO साहब थे, वो कहा करते थे कि कैसे सॉल्व होती है प्रॉब्लम। एक है कि आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, अवेयरनेस काफ़ी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बट क्या नॉलेज इनफ है? नहीं। नॉलेज जब आप ले रहे हैं तो उसको आप कितना समझ रहे हैं, समझ के आप नॉलेज लीजिए। आपने समझ के नॉलेज ले ली तो क्या वो सफिशिएंट है? नहीं। उसको आपने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया तो क्या स्टोर करना अच्छा है, सफिशिएंट है? नहीं। स्टोर करने के बाद आपके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि जब भी प्रॉब्लम आए वो सारी नॉलेज को आप कॉल करें, सारी नॉलेज को एनालाइज करें, सारी नॉलेज को देखें कि कौन सी नॉलेज को यूज़ करके मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो वो जो है एक कंप्लीट आदमी बनता है, कंप्लीट प्रोफेशनल बनता है। एंड दैट इज़ वॉट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सारे बच्चे उस चीज़ को एस्पायर करो कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम को मिलती है उसको कैसे आप सॉल्व करते हो, कैसे आप अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम, हर चैलेंजिंग सिचुएशन पिछली से अलग होगी, तो आपका एक्सपीरियंस ऐड होता है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए या आपको कोई और लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको जो लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ पाता है कि नहीं समझ पाता। उसके लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा, प्रॉब्लम को कम्प्लीटली समझाना पड़ेगा। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप जो है समझ नहीं पाएंगे सिचुएशन क्या है। तो कम्युनिकेशन स्किल एक दूसरा एट्रीब्यूट है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्टली मैं आपसे कहना चाहूँगी कि तीन ही चीज़ होती हैं जिसमें जो है सारी दुनिया चलती है प्रोफेशनल्स की। एक होता है डोमेन नॉलेज, आपने केमिकल किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, मैकेनिकल किया है, मेडिसिन किया है, आर्ट्स किया है, हिस्ट्री किया है, जो आपने किया है वो आपकी डोमेन है, वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, उसकी नॉलेज है, वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, बट आदमी बदल सकता है। बट दूसरा जो है वो उसकी स्किल है, स्किल का मतलब उसकी काबिलियत, वो कैसे काम करता है, कितनी मेहनत से काम करता है, कितने पैशन से काम करता है, कितनी लगन से काम करता है, कितनी एग्जॉस्टिवली काम करता है, कितना माइक्रो में जाके काम करता है। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड हेल्पिंग है, आपका एटीट्यूड ओन करने का है, आपका एटीट्यूड बचने का है, आपका एटीट्यूड दूसरे पे काम ढकेलने का है, आपका एटीट्यूड क्या है। और जब भी आपका एटीट्यूड होगा ये मेरा काम है, मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, वो एटीट्यूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डोमेन, स्किल्स एंड एटीट्यूड आर द थ्री इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राइट प्रोफेशनल, एंड इफ़ यू हैव ऑल ऑफ दीज आई एम श्योर आपको कोई भी लेगा, आपको जॉब मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप ग्रो कर पाएंगे। सर अभी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर और आईटी की तरफ जाना चाहते हैं, पर उनको हमेशा ये प्रश्न होता है कि क्या ये कंप्यूटर आईटी फील्ड मेरे लिए है, तो आपके हिसाब से किसको कंप्यूटर आईटी फील्ड में जाना चाहिए या कौन आईटी या कंप्यूटर फील्ड में जा सकता है? नहीं, आपने बहुत सही कहा, मैं भी पिछले 3-4 सालों से एडमिशन ट्रेंड देख रहा हूँ
और हर कॉलेज की आईटी और कंप्यूटर साइंस की सीट्स सबसे पहले भर जाती है और बाकी सारी फील्ड्स रह जाती हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, शायद इसलिए कि लोगों को लगता है कि आईटी और कंप्यूटर में ही जॉब्स होंगे और आगे नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जॉब्स देखिए हर इंडस्ट्री का, हर फील्ड का प्लेंटी ऑफ जॉब्स हैं, प्लेंटी ऑफ जॉब्स हैं। जॉब्स उसको मिलती हैं जो राइटली ट्रेंड होता है, जिसके पास राइट स्किल्स हैं, फिर वो कोई भी हो। तो मैं आपको यहाँ पे बड़ा एक रेलिवेंट एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि जाकिर हुसैन हैं तबला बजाते हैं, तबले बहुत लोग बजाते हैं और क्या वो करियर है, बट पॉइंट ये है कि वो इतना अच्छा बजाते हैं, इतनी लगन से बजाते हैं, इतना स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया है कि वो भी मशहूर हो गए। क्या तो कंप्यूटर साइंटिस्ट उनको मुकाबला कर पाएगा। तो कहने का मतलब है सारी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और आप लोग बिल्कुल अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एडमिशन उस ब्रांच में लीजिए। रही बात कंप्यूटर साइंस और आईटी में एडमिशन लेने की, तो हाँ बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ इसमें काफ़ी आ रही हैं, इमर्जिंग ब्रांच है। मुझे नहीं लगता अगले 30-40-50 साल तक इस फील्ड में जो है कोई कमी आने वाली है, बट इसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। क्या आपने अपने आप को एनालाइज किया कि कंप्यूटर आईटी फील्ड में आप कैसे उसको एडजस्ट कर पाएंगे, आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो इसके तीन चार रिव्यू आप अपने बारे में कर सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगता है, क्या आपको पजल्स अच्छे लगते हैं, क्या आपको कोडिंग अच्छा लगता है। आप लोगों ने 11वीं 12वीं में कोडिंग तो की होगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की होगी, तो आपको अच्छा लगा। आप मोबाइल एप्लीकेशंस देखते होंगे, कभी आपने उसको एनालाइज किया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों नहीं होता? तो यदि आपका उसकी तरफ इंक्लिनेशन है तो बिल्कुल बेशर्ते बेशक आप उस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हर फील्ड और कंप्यूटर फील्ड खास कर से बड़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने के लिए, लेकिन उसके अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें भी बहुत मेहनत है। उसमें एल्गोरिदम्स हैं, उसमें माइक्रो थिंकिंग है, उसके अंदर आपको पेशेंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और मैथमेटिक्स चाहिए, क्योंकि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस का बेस है। बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं, हाई लेवल की मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ चाहिए, बट कई सारी ऐसी फील्ड्स भी हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर जिसके अंदर बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन फिर भी चाहिएगी। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कंप्यूटर करता क्या है, प्रोग्राम करता क्या है। आप उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब आप सिंपल से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि रोटी बनानी है, तो कंप्यूटर का आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? आप देंगे जी आटा लो, पानी डालो और तवे पे रोटी डाल के सेको। बट कंप्यूटर को कहाँ से समझ में आएगा आटा क्या है, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा पानी क्या है? तो जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको माइक्रो डिटेल्स देखनी पड़ेंगी, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्योंकि कंप्यूटर को कई लोग इडियट बॉक्स भी कहते हैं। वो एक स्लेव है, वो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो आप कहेंगे, बट जो नहीं कहेंगे वो नहीं करेगा। तो वो जो डिलीजेंस है, वो जो डिटेलिंग है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर साइंस हाँ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फील्ड है, बट आप देख लीजिए आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, और यदि तैयार हैं तो ये फील्ड से बढ़िया इंटरेस्टिंग फील्ड कोई नहीं हो सकता। सर अभी हम कंप्यूटर और आईटी फील्ड की ही बात कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस ज़रूर ये जानना चाहेंगी कि आगे कंप्यूटर और आईटी के फील्ड में जॉब रोल्स क्या होते हैं, और ख़ास करके जैसा आपने बताया कि मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं तो उससे ये जॉब रोल्स में कोई चेंजेस होंगे? देखिए ये एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और मेरा एक ही आंसर है कि नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस बट हर इंडस्ट्री में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो, कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जॉब डेफिनेशंस और जॉब रोल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस बदलते रहते हैं। और जनरली कहा जाता है हर 5 साल में जॉब डिफाइन होता है, रीडिफाइन होता है। तो कंप्यूटर में आज क्या रोल्स हैं, क्या जॉब्स हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर, डेटाबेस एनालिसिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, यही रोल्स हैं। तो ये तो सदाबहार रोल्स हैं, ये रोल्स 10 साल पहले भी थे, आज भी हैं, अगले 20 साल तक भी रहेंगे।
बट क्या हुआ है और उसमें एडिशंस हुए हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग कुछ नहीं है बट मशीन को सिखाना है जी, मशीन को लर्निंग करानी है। ये एक बच्चे की तरह से है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको 5 शब्द सिखाते हैं, 10 शब्द सिखाते हैं, वो 4 जगह जाता है, वो सीखता है और बच्चा 2 साल 3 साल में 1000 वर्ड सीख लेता है और करने लगता है काम। तो बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो सीखता है और बाद में ह्यूमन माइंड जो है वो लर्न हो जाता है, ट्रेन हो जाता है और उसके बाद वो काम कर सकता है। क्या होता है, आपने किसी का चेहरा देखा, आपको उसका नाम पता लगा, वो दिमाग में बैठ गया, अगली बार जब वो मिलेगा तो आप उसका नाम बता पाएंगे, आप उसको पहचान पाएंगे, उसकी शक्ल जैसा आदमी मिला तो अभी आप पहचान पाएंगे। मशीन लर्निंग एग्जैक्टली ह्यूमन माइंड को इमिटेट करने की कोशिश है, उसमें हम चाहते हैं कि मशीन सीख ले। तो मशीन को सिखाने का एल्गोरिदम होता है, मशीन को पैटर्न सिखाए जाते हैं, एक ही तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, कैमरा, कैमरा भी एक सेंसर है, कैमरा हमारी आंखों की तरह से है। तो कैमरा में आप 1 चेहरा, 10 चेहरा, 50,000 चेहरे, 1,00,000 चेहरे, 10,00,000 चेहरे आप कैमरा को दिखाइए, वो कैमरा फेस का पैटर्न पहचानेगा। उसको फिर आप बिल्ली का चेहरा दिखाइए, उसको आप किसी और का चेहरा दिखाइए, तो उसको समझ में आने लगेगा और उसको डिफाइन करिए कि ये इसका चेहरा है, ये इंडियन का चेहरा है, ये अमेरिकन का चेहरा है, ये चौड़ा चेहरा है, ये पतला चेहरा है, ये नॉर्मल चेहरा है, जो भी है चेहरा। जब एक बार वो सीख लेगा उसके बाद वो कैमरा जहाँ भी होगा तो आपने देखा होगा वो फेस रिकग्निशन सिस्टम्स बनने लगते हैं। तो एक मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। आपने एप्पल का सीरी यूज़ किया होगा। सीरी क्या होता है, पहली बार आप जब बात करते हैं आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी समझता है, आप उसको 10 घंटे 50 घंटे 100 घंटे आपने इस्तेमाल कर लिया, फिर सीरी जो है आपकी आवाज़ पहचानने लगता है, आपके मूड को पहचानने लगता है, वो मशीन लर्निंग है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो मशीन लर्निंग से क्या होगा, वही प्रोग्रामर जो आज मशीन को इंस्ट्रक्शन देता था, कल को वही प्रोग्रामर अगर हाई एंड स्किल्स बना लेगा तो वो ऐसे प्रोग्राम्स लिखेगा जिससे मशीन खुद सीखेगी, और खुद सीखेगी तो एक पॉइंट के बाद मशीन में वो प्रोग्रामिंग देनी नहीं पड़ेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अगेन अ रेप्लिका ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ लेवल नेक्स्ट टू मशीन लर्निंग। मशीन ने सीख लिया बट मशीन ने पैटर्न सीखे, मशीन ने काम करना सीखा। बट आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते चलाते कोई आ गया बुढ़ा या बच्चा, मैं क्या करूँगा, ब्रेक मारूँगा। यह आदमी को पता है। गूगल कार बना रहा है, ऑटोमेटेड कार, अब ऑटोमेटेड कार के आगे कैमरा लगे होंगे, वो कैमरा जब देखेगा कि आदमी है, बच्चा है, ट्रक है, अकॉर्डिंगली वो जो है एक्शन लेगा। तो जो वो एक्शन लेना है लर्निंग के बाद, जो एक्शन भी मशीन अपने आप लेने लगेगा, उसको इंटेलिजेंस कहेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों, क्योंकि उसे आदमी ने बनाया है। तो देखिए, जॉब रोल्स तो चलते रहेंगे, डिफाइन होंगे, इवॉल्व होंगे, और मशीन लर्निंग और AI जो है वो डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल की है, और उस एरिया में बहुत काम होना बाकी है, बहुत काम होना बाकी है। वो तो अभी हमने शुरुआत ही की है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स डेफिनेटली अगले 5 साल में एस्पायर करेंगे कि दे बिकम ML इंजीनियर्स एंड AI इंजीनियर्स। अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात की, ऐसे ही आगे ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है। तो अगर किसी स्टूडेंट को इन टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में आगे बढ़ना है तो क्या सिर्फ प्रोग्रामिंग का नॉलेज ही काफ़ी होगा, या आपके हिसाब से और कोई स्किल्स भी उनको डेवलप करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग तो फंडामेंटल है, राइट? इसलिए प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है, आपका उस पर होल्ड होना चाहिए। अब प्रोग्रामिंग की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी एक लैंग्वेज पे यदि आप मास्टरी कर लेते हैं तो इट्स गुड इनफ। जैसे आपको शायद पता होगा कि गूगल जो इतना बड़ा जायंट चल रहा है वो C++ पे चल रहा है जी। तो कहने का मतलब, लैंग्वेज कोई भी आप ले लीजिए जिस पे आपको कंफर्ट है, और उसी को यूज़ करके आप बड़े से बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। जहाँ तक आपने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन की बात की, ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। और इसमें मैं 4 शब्द और ऐड कर देता हूँ कि आपके IoT सेंसर्स हैं, इमेज प्रोसेसिंग है, वीडियो एनालिटिक्स है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमर्ज हो रही हैं, बट ये सारी क्या हैं? ये सारे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो इनके लिए क्या करना पड़ता है? ये सारे के सारे लर्निंग मॉडल्स हैं। आप मैथमेटिकल मॉडल्स बनाएंगे, सिस्टम को ट्रेन करेंगे, सिस्टम को टेस्ट करेंगे और देखेंगे रिजल्ट्स किस रेंज में आ रहा है। जब तक आपका मॉडल परफेक्ट नहीं होता है, आप उसको प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक्सरे और एमआरआई जो है उसकी एनालिसिस अब कंप्यूटर करने लगा है। कंप्यूटर एनालिसिस इमेज एनालिसिस से हो जाती है और उसकी जो फोरकास्ट होती है बड़ी एक्यूरेट होती है। बट एक्यूरेट किस हद तक? उस हद तक जिस हद तक उसका जो मॉडल है, उसका जो लर्निंग है, वो इतना एग्जॉस्टिव है जितना ह्यूमन माइंड सीखता है। जिस दिन वो सीख जाएगा, उस दिन वो मशीन जो है एमआरआई की इंटरप्रिटेशन कर पाएगी। तो आपका जो सवाल था कि क्या कोडिंग इनफ है, द आंसर इज कोडिंग इज अ प्री रिक्विजिट, बट कोडिंग के बियॉन्ड आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी। दीज आर मैथमेटिकल मॉडलिंग्स। आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मॉडल सीखने पड़ेंगे और इसमें जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इसमें न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट विल बिकम पार्ट ऑफ दिस स्ट्रीम एंड दे विल ऑल रिक्वायर सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन राइटिंग कोड्स बिकॉज दे आर द इंस्ट्रक्शन सेट्स फॉर द कंप्यूटर। राइट सर, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि स्टूडेंट अपने कॉलेज के 4 साल के दौरान ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि उनको इन टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ने में हेल्प करे? देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है स्टूडेंट लाइफ का और इसका एक ही आंसर है, प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। आपके पास 8 सेमेस्टर हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आप 8ों सेमेस्टर्स में कम से कम 8 प्रोजेक्ट्स करें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स करें, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स करें और कोशिश करें यदि पॉसिबल हो तो। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने 8 पेपर लिखे हैं इन 8ों सेमेस्टर्स में। लेवल बदलता जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आप अपने लेवल का लीजिए, दूसरे सेमेस्टर में दूसरा लीजिए, बट प्रोजेक्ट्स करें। प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा क्या है? मैं फिर से एग्जांपल एक कुकरी वर्ल्ड का देता हूँ। आप टीवी में देखते हैं कि कोई चीज़ बनानी है, कैसे बनानी है, टीवी में देखते हैं, बड़े आसानी से दिख जाता है कि हाँ आप ये डालिए ये करिए, हो जाएगा। बट जब आप घर में बनाने बैठते हैं तो क्या होता है? वो चीज़ नहीं बनती। सेम थिंग टेक्नोलॉजी में, आपने किताब में पढ़ा, किताब में पढ़ते हुए बड़ा आसान दिखता है, हाँ ये करो ये करो ये करो ये करो, हो जाएगा। बट जब आप अपने हाथ से करते हैं तब आपको पता लगता है कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप जो है शोरूम का एक बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं, कार के शोरूम का बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं। अब आप सोचिए होलिस्टिकली कि कार के शोरूम का बिलिंग सिस्टम एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। अब आप सोचिए क्या रूल्स हैं, कितनी कारें हैं, कौन सी मेक है, क्या प्राइस है एक तरफ, क्या टैक्स है, क्या फीचर्स हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या कलर्स हैं, किस तरह की सुपीरियरिटी है, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन होंगे। तभी तो कार का शोरूम वाला जब आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा आपको कौन से कलर की कार चाहिए, आपने कहा लाल, वो बताएगा ये वाले मॉडल्स हैं, आप कहेंगे कितने सीसी की गाड़ी चाहिए, वो दिखाएगा। तो जब आप एक प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी आप होलिस्टिकली इमेजिन करते हैं और जब तक आपका होलिस्टिक इमेजिनेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो प्रोजेक्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि आपको पूरा स्फीयर मिल जाएगा और आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, लोग कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई में डेटा चोरी होता है। सुना है? किसी ने कभी देखा कि होता भी है कि नहीं है? अगर होता है तो कैसे होता है? और यदि आपने देख लिया कि होता है और ऐसे होता है तो आपको उसका तरीका भी आ जाएगा कि उसे कैसे रोका जाए। बट जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो यदि आप डेवलप होना चाहते हैं लाइफ में तो आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स करिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स करिए, डिफरेंट चैलेंजेस लीजिए। और सबसे बढ़िया जो पोजीशन होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में वो ये होती है, आपको आप अगर फेल हो गए तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉब्लम आई तो आप बेझिझक होकर आप किसी से पूछ सकते हैं। प्रोफेशनल बनने के बाद शर्म आने लगती है, अगर आज मैं जाके कहूँ जी मुझे ये नहीं आता,
तो मुझे शायद पूछने में झिझक होगी, बट स्टूडेंट लाइफ एक एडवेंचरस लाइफ है, एक एक्सपेरिमेंटेशन की लाइफ है. यू कैन अफोर्ड टू गो रॉन्ग बिकॉज यू आर लर्निंग एंड मिस्टेक्स विल टीच यू फार बेटर थिंग्स देन एनीथिंग एल्स. डू इट योरसेल्फ, दैट इज़ द मॉरल ऑफ द लर्निंग. राइट. तो सर, जैसे आपने बताया कि एक अच्छा करियर बनाने के लिए रेगुलरली कॉलेज लाइफ में प्रोजेक्ट्स करते रहना चाहिए, नए नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सीखते रहना चाहिए. अगर हम सैफ्रोनी की बात करें तो सैफ्रोनी में भी हम हर सेमिस्टर में स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं. डिज़ाइन इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग डे पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके एग्जीबिशन होते हैं. तो वैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी होता है और फिर अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हम इनवाइट करके अलग अलग वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी होते हैं जिसमें उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है नए नए एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स पे. जैसे कि अभी आईटी का ही एग्जांपल दूं तो अभी पाइथन है, यूनिटी है, पिछले सेमिस्टर में ही उनका हैंड्स ऑन वर्कशॉप था. तो द आइडिया इज़ की बेसिकली ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग हो तो देर बी इंडस्ट्री रेडी, और जिसका हमको फ़ायदा प्लेसमेंट्स में हुआ है. पिछले 2 साल से हमें 100% प्लेसमेंट्स हुए हैं और हमारे स्टूडेंट्स TCS, बायजूस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में भी प्लेस होते हैं. वेरी गुड. अब जब हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि आईटी और कंप्यूटर में फ्यूचर स्कोप क्या है. तो सर, आपके हिसाब से इंडिया में आईटी और कंप्यूटर का कैसा स्कोप है, क्या स्कोप है? नहीं देखिए, ये तो बहुत ही मतलब जग जाहिर है कि बहुत बहुत बड़ा स्कोप है. और जैसा आपने बताया, अगर आपका कॉलेज और मैं भी आपके कॉलेज से कई बार एसोसिएटेड रहा हूँ तो मैंने देखा है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, उसका फ़ायदा इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट में बहुत होता है. जब आपने इंडिया का सवाल पूछा तो मैं आपको आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इंडिया की प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स से बहुत ही अलग हैं. हमारे देश में 14 भाषाओं में 600 सब भाषाएं हैं. जैसे गुजरात में आप ले लें, कहते हैं काठियावाड़ी है और साउथ गुजरात की भाषा है, और 3-4-5 डायलेक्ट्स जिसको कहते हैं वो गुजरात में भी हैं. हिंदुस्तान में 600 डायलेक्ट्स हैं. अब आप देखिए कि कंप्यूटर साइंस जब हम बात करते हैं तो कॉन्टेंट किस में है? इंग्लिश में, बहुत से बहुत इंग्लिश, हिंदी में, और वो भी बड़ी अच्छी इंग्लिश और हिंदी में है या गुजराती में है. कितनों को गुजराती टाइपिंग आती है, कितनों को हिंदी टाइपिंग आती है? मुझे तो नहीं आती, मैं तो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग जानता हूँ. तो कहने का मतलब है कि आपको टाइपिंग नहीं आई तो कंप्यूटर आपके लिए बेकार है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कंप्यूटर आपके लिए बेकार है. तो कंप्यूटर बेकार है या कंप्यूटर के लिए वो अपॉर्चुनिटी है? तो मैं ये देखता हूँ कि इस देश के अंदर 600 डायलैक्ट्स, 600 अपॉर्चुनिटीज हैं. देखिए, सीरी है या गूगल टॉक है, वो अभी इंडिया की 14 भाषाओं में आने की कोशिश कर रहे हैं. अभी उनका एक्यूरेसी लेवल इंग्लिश इतना नहीं पहुंचा है. तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यही हो गई. अगर जिस दिन ये अपॉर्चुनिटी हो गई उस दिन पूरे देश का तो भला होगा ही होगा, बट उस देश के अंदर और नई अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी. मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि एक हमारे देश का किसान है, क्या वो किसान ई कॉमर्स की साइट का इस्तेमाल कर पा रहा है, मेडिसिंस मंगा पा रहा है, टेलीमेडिसिंस ले पा रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर पा रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग कर पा रहा है? कर सकता है, हाँ, बट क्योंकि उसकी भाषा में नहीं है. दूसरी बात, उसके पौधों में कोई कीड़ा लग गया है. अब वो गांव में रहता है, जब तक कोई साइंटिस्ट नहीं आएगा तब तक उसे वो क्या है प्रॉब्लम पता नहीं. जब तक उसे प्रॉब्लम पता नहीं है तब तक उसका सोल्यूशन नहीं आएगा. डॉक्टर को या किसी स्पेशलिस्ट को बुलाएगा तो कॉस्ट लगेगी. अब आप सोचिए, इमेज एनालिसिस, किसान अपने पेड़ पौधे का फोटो खींच ले और इमेज एनालिसिस से क्लासिफाई हो जाए कि भाई ये इसकी ये बीमारी है या ये कारण है जिसकी वजह से इस पौधे में ये प्रॉब्लम हुई है. जैसे ही वो एनालिसिस हुआ उसको पता लग गया क्या करना है, कहीं भी ई कॉमर्स साइट पर उसने ऑर्डर हो गया, उसको वहां मिल गया. अब किसान के लिए वो सिचुएशन कब आएगी? वो सिचुएशन कंप्यूटर साइंस के लोग जब काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करेंगे, वो सिचुएशन आ जाएगी. हम देख रहे हैं कि गांव में हेल्थ केयर नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है. अरे, हेल्थ केयर कैसे आ जाएगी? टेलीमेडिसिन से आ जाएगी, वर्चुअल मेडिसिन से आ जाएगी.
डॉक्टर कहीं भी हो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं किसी न किसी जगह पे, क्या चाहिए उसकी भाषा में बात करने वाला कैमरा और सेंसर। तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मैं देखता हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोग भारत की जो नीति आयोग की साइट है, वेबसाइट है, वो आप देखें, उस पर आपको इस देश का एक भविष्य दिखाई देगा, इस देश के जो एफर्ट्स हैं इस डायरेक्शन में वो दिखाई देंगे। एफर्ट्स सक्सेस होने में टाइम लगता है बट दिशा सही है। उन्होंने एक 100 पेजेस की AI फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, एक पेपर, डिस्कशन पेपर पब्लिश किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे किसान के लिए AI चाहिए, कैसे मजदूर के लिए AI चाहिए, कैसे मशीनरी के लिए, प्लांट के लिए AI चाहिए। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर मशीन्स हैं, इंपोर्टेड मशीन्स हैं या किसी बड़ी कंपनी की बनी हुई मशीन्स हैं। अब मशीन में अगर कोई खराबी हो गई तो क्या करेंगे आप? उस कंपनी के मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब आपके पास जो मैकेनिक है उसको तो शायद रिपेयर नहीं कर पाएगा, पर आप सोचिए उसको एक कांच, एक ग्लास दे दिया, जिसको हम गूगल ग्लास भी कहते हैं, बट एक मॉडिफाइड वर्जन मैंने देखा था जर्मनी में बना था। उन्होंने क्या करा, एक चश्मा दे दिया, चश्मे के दोनों तरफ कैमरा लग गए, चश्मे के अंदर ईयरफोन है, चश्मे में माइक है, चश्मे में वाईफाई है। अब वो मैकेनिक मशीन के आगे आ गया, ही इज कनेक्टेड टू एन इंजीनियर और एन एक्सपर्ट इन जर्मनी और US और वेर एवर इन द वर्ल्ड, और वो देख रहा है, वहाँ दूर बैठा हुआ आदमी मशीन देख रहा है, वो कहता है जी आपके बाएं हाथ में ये गोल स्क्रू है, हाँ जी, उसे खोलो, ये खोलो, ये लाल रंग का चीज़ है। वो वहाँ बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आँखों से देख रहा है, काम हो रहा है। अब आप देखिए ये टेक्नोलॉजी है, जिस दिन ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी उस दिन ट्रैवल क्यों करने की ज़रूरत है, और आप बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट को बैठ के अपने यहाँ काम ले सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, इसका भविष्य उज्जवल है। और भारत सरकार के 3-4 और प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे एक अटल टिंकर लैब है जो इनोवेशन को प्रमोट करता है, वुमन एंटरप्रेन्योर सेल है जो वुमन एंटरप्राइज को प्रमोट करता है, अटल इनोवेशन लैब है जहाँ इनोवेशंस को सपोर्ट करते हैं, इंडिया स्टार्टअप इनिशिएटिव्स है जिसमें जितने स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है। तो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सॉल्यूशंस चाहिए, सॉल्यूशंस बन रहे हैं, बनेंगे, हमारे देश में बनेंगे, आप लोग बनाएंगे, यही मैं उम्मीद रख रहा हूँ। हाँ सही बात है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू किया है, तो उसमें आपके हिसाब से कौन कौन से इंजीनियरिंग फील्ड्स का मेजर रोल रहेगा? देखिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान आत्मनिर्भर भारत एक बड़ा ही नेशनलिस्टिक प्लान है, और उसके तहत जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम लोग किसी और पे डिपेंड ना रहें हर फील्ड में। अगर हम देश की बात करें तो हम इंपोर्ट्स क्यों करें, हम अपने देश में क्यों ना बनाएं? अपने देश में बनाएंगे, हमारे देश के इंजीनियर्स को जॉब मिलेगा, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारी GDP बढ़ेगी, हमारी जो है प्रगति होगी, और वो चीज़ें हमारे हिसाब से बनेंगी। सो आत्मनिर्भर भारत तो एक बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसमें हर तरह के फील्ड का समावेश होता है। आप देखें तो यदि कार बनानी है तो हमारी अगर इंडियन कार जो पहले थी हिंदुस्तान मोटर्स या फियाट थी, अच्छी कार्स हमारी बनेंगी तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी होगी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप यदि सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, बिजली की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, IC, IoT, सेंसर्स बनाना चाहते हैं, आज आप लोग सबको पता है कि हमारा देश बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बट जिस दिन हमारे यहाँ टैलेंट पूल आ जाएगा, जिस दिन हम ये निश्चय कर लेंगे कि ये चीज़ें हमारे यहाँ बननी चाहिए, उस दिन उन सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो आत्मनिर्भर भारत एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंदर सारी इंजीनियरिंग फील्ड, सड़क की ज़रूरत पड़ेगी, निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी, पुल की ज़रूरत पड़ेगी, रेलवे की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके दौरान, लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़ी पॉपुलर हो गई,
और हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी है और उसके बावजूद भी आप सब जानते हैं कि हम लोग विदेशी सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे थे। भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया और आप लोग शायद अब जानते होंगे, ई नमस्ते करके एक इंडियन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो ये क्या है? ये आत्मनिर्भरता है, हमारा डेटा है, हमारे लोग हैं, हमारी ग्रोथ है और हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। वी शुड बिकम एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इम्पोर्टर्स, दैट इज़ द होल मॉडल। अब आप देखिए, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हमारे देश की क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे देश में सारी उन्नतियाँ हो गई हैं, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, मद्रास में बड़े से बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, अच्छी से अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं, बड़ी सी बड़ी रिसर्च होती है। बैंगलोर में चले जाइए, वर्ल्ड की सारी आईटी कंपनीज वहाँ हैं, सारे काम वहाँ हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सारी चीज़ें दूर दराज गाँवों में, बस्तियों में नहीं पहुँची हैं। और मैंने जैसा कि जिक्र किया था, लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है, बट लैंग्वेज के अलावा ये जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर गांव में जाके बसेगा? क्या बढ़िया लॉयर गांव में बसेगा? क्या बढ़िया सर्जन गांव में बसेगा? बढ़िया टीचर गांव के स्कूल में पढ़ाएगा? शायद नहीं, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से रहता है। बट क्या है तो टेक्नोलॉजी से आप देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जिसको कहते हैं रोबो डॉक्टर, रोबोटिक डॉक्टर, वो रोबो से काम करेगा। रोबोटिक लॉयर, जो रोबो से आपको एडवाइस देगा। रोबो सर्जन, जो रोबोटिक सर्जरी कर पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इवॉल्व होंगी, निकलेंगी, देश की एस्पिरेशंस बढ़ेंगी, देश की एस्पिरेशंस को भरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनने में इन सारी चीज़ों का योगदान होगा। जी जी, बिल्कुल। अभी आपने जैसे बताया कि इंजीनियरिंग के सारे फील्ड्स में स्कोप है फ्यूचर में, अभी हमने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स जब इंजीनियरिंग का ब्रांच सिलेक्ट करते हैं तब वो या तो ट्रेंड देखते हैं या तो फिर ये स्कोप देख के सिलेक्शन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक आइडियल वे ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्ट करने का क्या होना चाहिए? ये एक रियलिटी है, मैंने भी फेस किया जब मेरे बच्चे 12th पास कर रहे थे, और मैं कई लोगों को सुनता हूँ। और मैं यहाँ एक IIT के डायरेक्टर साहब का स्टेटमेंट कोट करूंगा कि वो ये कहते हैं कि बच्चे कई बार कॉलेज चूज़ करने के चक्कर में ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि IIT मिल गया है तो फिर हम केमिकल भी ले लेंगे और मटेरियल साइंस भी ले लेंगे, और कई बार ब्रांच के लिए कोई भी कॉलेज ले लेते हैं। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना पैशन, अपनी लाइकिंग, अपनी अपना इंटरेस्ट पहले देखें। और जैसा मैंने कहा, आप जिस फील्ड में मेहनत करेंगे उस फील्ड में आप सक्सेस ले सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए फील्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेहनत इम्पॉर्टेंट है, पैशन इम्पॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे कोई भी फील्ड हो। और इसीलिए मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने आप को एसेस करें, अपने आप को एनालाइज करें कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपका क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि ये चीज़ देखिए कि आज आप एक डिसीजन लेंगे जिसको आपको अगले 50 साल तक जीना पड़ेगा, तो क्या आप उसको 50 साल उसको ढो पाएंगे? और ये बात शायद 20 साल पहले सही थी कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी, इसलिए लोग कहते थे जी इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। लेकिन आज आप देखिए हर फील्ड में, किस फील्ड में लोग तरक्की नहीं करें। तो ब्रांच का चॉइस आपके अपने इंटरेस्ट पे रखिए, और मान लीजिए यदि आपने प्रोजेक्ट्स किए, आपने अपनी अवेयरनेस रखी, आपने उस फील्ड के बारे में जानकारी रखी, आपने क्रिएटिविटी करी, आपने पैशन से काम किया, आपने मेहनत की, तो कोई भी फील्ड आपको रोकेगी नहीं, हर फील्ड में आप ग्रो करेंगे। अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? आई थिंक मैंने पिछले सवालों के जवाब में बातें कही थी, बट आई थिंक कि रिपीट करना भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले रीड अ लॉट, जानिए क्या हो रहा है दुनिया में, कीप योरसेल्फ अपडेट एंड करेंट।
दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप करना चाहें उन चीज़ों को या ना करना चाहें, पर उनके बारे में जानिए ज़रूर, क्योंकि उससे आपका मस्तिष्क खुल जाता है, आपका दिमाग खुल जाता है, आपको पता लग रहा है क्या होता है, और हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें आप उनमें से ले सकते हैं अपने उन बेनिफिट के लिए। दूसरा, बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स। आप जब भी कभी आगे जाते हैं, आपके पास ये कहने के लिए होना चाहिए कि मैंने ये किया था, 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 इन एडिशन टू योर वेरी गुड मार्कशीट। एक अच्छी मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स, जहाँ आपने खुद काम किया है, चाहे कितना ही छोटा प्रोजेक्ट हो, लेकिन प्रोजेक्ट की अपनी ओन अहमियत होती है। तीसरा, लर्न द वैल्यू ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, दोस्तों से, बड़े लोगों से, एल्यूमिनाई से, सीनियर्स से आप कॉन्टेक्ट में रहिए, कौन कहाँ है उससे बात करिए, बिकॉज दे आर द पीपल हु विल बी योर रिसोर्सेज, हु विल गाइड यू, हु विल हेल्प यू व्हेन यू नीड ट्रबल, व्हेन यू नीड हेल्प, व्हेन यू आर इन ट्रबल, व्हेन यू नीड एन एक्सपर्टीज, व्हेन यू नीड अ गाइडेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव ह्यूमन वैल्यूज। याद रखिए, हम इंसानी जिंदगियों के लिए काम कर रहे हैं, हम जितने भी इंजीनियर्स हैं, जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं, एंड में वो इंसानी ह्यूमन लाइफ को हेल्प करती हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को हेल्प करती हैं। इसलिए हैव वैल्यू फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बी सिंपैथेटिक टू द प्रॉब्लम्स, ट्राई एंड सी हाउ यू कैन यूज़ योर नॉलेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड आई थिंक इफ़ यू हैव पैशन टू डू थिंग्स क्रिएटिवली एंड थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आई थिंक यू आर देयर। सो प्रैक्टिस and do things with your own hands. And I want to leave you all with one thought. यदि आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक प्रोफेसर युवाल हरीरी की किताब है 21 Lessons for 21st Century. किताब पढ़ना चाहें तो बहुत ही वेलकम है, बट यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे भी आपको इनका इंटरव्यू मिल जाएगा, और उसमें वो एक पेंट कर रहे हैं कि हमारा देश, हमारी दुनिया, ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे होगी अगले 50-100 सालों में, और वो एक इंस्पिरेशन है, चाहे वो सब कुछ सच हो या ना हो, बट डेफिनेटली दिखाता है कि वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, और यदि आप उस चीज़ों को इम्बाइब करते हैं तो आपको एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिखेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, और आपको लगेगा कि आप उसमें कैसे भागीदार हो पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उस सब लोग उस चीज़ को देखें और उसको ज़िंदगी में इम्बाइब करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो में आने के लिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने IT और कंप्यूटर फील्ड के रिलेटेड सारी बातें की, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आने वाली है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, और सबसे खास बात, इंजीनियरिंग ब्रांच स्कोप या ट्रेंड देखकर नहीं, पर अपने इंटरेस्ट को देखकर सिलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग एडमिशन के रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर खास कॉल करिएगा। हम ऐसे ही अलग अलग एक्सपर्ट से इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के रिलेटेड बातें करते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले शो में नए एक्सपर्ट के साथ। Thank you for watching.